ज्ञान तिमरान दशो ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्नमीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति सर्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतय देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय गोपाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। आइए सत्संग प्रेमीजनों, मेरे प्रिय बहन भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता का सत्संग है। इसके पान करने से आदमी पवित्र हो जाता है, आदमी की भावनाएं पवित्र हो जाती हैं और अपने आप को पहचानने लगता है और उस परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर को जानने लगता है। पिछली कड़ी को जोड़ते हैं इस कड़ी से। पिछली कड़ी में सत्संग था सृष्टि क्या है और प्रलय क्या है। ऐसे तो श्रीमद् भागवत के अंदर चार प्रकार की प्रलय का वर्णन किया है। नित्य प्रलय हो रही है, नित्य हम मर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि प्रत्येक 7 वर्ष में हमारे शरीर का सारे सेल मर चुके होते हैं 7 वर्ष में, और नए सेल पैदा होते हैं। प्रत्येक सेल एक जीव है, आत्मा है। हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन वो सिर्फ सेल्स हैं, छोटे छोटे कीट है। हम तो कीट नहीं, हम शरीर मनुष्य के शरीर में हैं। हमारी भावना बहुत ऊंचे स्तर पर है उन सेल्स और कीड़े मकोड़ों से, इसलिए हम शरीर मनुष्य के शरीर में हैं। वो सेल्स के शरीर में है, कीट पतंग के शरीर में है, कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी वो भी आत्माएं हैं, लेकिन उनकी भावना इतनी मलिन है कि वो कीट पतंग और मकोड़े बने हुए हैं। लेकिन हमारी भावना में कुछ सुधार है, कुछ तरक्की हमने की होगी सने सने,
पीछे के जन्मों में, इसलिए हमको आज मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य के शरीर में है। बड़े भाग मानुष तन पावा, मानुषो दुर्लभो देही देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्नी वैकुंठम प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य का शरीर बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। शास्त्र प्रमाण है, कहते हैं कि 84 लाख योनियां पार करके आता है ये जीव, तब कहीं जाके इसको ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और इस मनुष्य के शरीर को बड़े भाग्यशाली जीव को प्राप्त होना कहा गया है, मनुष्य शरीर की प्राप्ति बड़े भाग्यशाली जीव को प्राप्त होती है। क्यों क्यों भाग्यशाली जीव कहा है? कि ये मनुष्य शरीर में आकर के वह भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो होश में आ सकता है कि मैं कौन हूं। बाकी योनियों में, पिछली योनियों में होश नहीं है, कुत्ते बिल्लियों को बेचारों को इतना होश नहीं है कि हम कौन हैं, या गधे घोड़ों को इतना होश नहीं है कि वो जान लें कि हम कौन हैं, या बंदर भालू चिंपैंजी गोरिल्ला इत्यादि को। लेकिन मनुष्य को तो होश है, ये चाहे तो जान सकता है कि मैं कौन हूं। इसलिए कहा है कि मानुषो दुर्लभो देही देही नाम क्षणभंगुरा। ये मनुष्य का शरीर बड़ी दुर्लभता से मिलता है और ये भी क्षणभंगुर है, इसकी गारंटी नहीं है, आज है कल हो ना हो, गारंटी है नहीं है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। और उस वैकुंठ को प्राप्त करने ने करना तो थोड़ा उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, वो भी तो थोड़ा दुर्लभ तो है, हर वस्तु दुर्लभ है संसार की। एक कार खरीदनी हो तो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है, बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, न जाने कहां कहां नौकरी करनी पड़ती है, पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं कार खरीद सकते हैं। एक कनस्टर का टुकड़ा, तो फिर वैकुंठ जो इटर्निटी जिसको कहा है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ तो प्रयास करनी पड़ेगा, कुछ तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं। तो वैकुंठ के दर्शन करने हैं, वैकुंठ की ओर जाना है, तो आपको जरूर कुछ प्रयास करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग हैं जिन्होंने मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है। इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके हमें होश आ जाता है, हम जान सकते हैं कि हम कौन हैं और किन कर्तव्यों से हमारा कल्याण है और किन कर्तव्यों से हमारा पतन है। भगवान ने इतना सुंदर मस्तिष्क इस शरीर को दिया है, किसी को नहीं दिया। वैज्ञानिक लेख पढ़ा था मैंने एक दिन, एक वैज्ञानिक बोलता है कि पूरे विश्व के कंप्यूटरों को एक तरफ को रख दिया जाए और मनुष्य के मस्तिष्क को एक तरफ रख दिया जाए, तो विश्व के कंप्यूटर इस मनुष्य के कंप्यूटर से कम क्वालिटीज में दिखाई देंगे, उनके गुण धर्म कम है। इस मनुष्य एक मनुष्य के मस्तिष्क में इतना गुण धर्म है, तो इतने सुंदर मस्तिष्क को प्राप्त करके ये मनुष्य जान सकता है कि मेरा कल्याण, सच्चा कल्याण किस में है, यदि जानने की कोशिश करे तो। जो कोशिश ही नहीं करेगा तो फिर ये सही मार्ग पर नहीं जा सकेगा, गलत मार्ग अपनाएगा और इसका पतन होगा। ये मनुष्य स्तर से फिर वापिस हो सकता है, इसको वापिस
गधे घोड़ों में जाना पड़ जाए, कीड़े मकोड़ों में जाना पड़ जाए। भगवान ने सृष्टि का वर्णन किया कि तमाम सृष्टि मेरी है, फिर भी मैं इसके अंदर नहीं हूं। ये तमाम ब्रह्मांड, वैकुंठ जगत सब मेरे अंदर वास करते हैं, फिर भी मैं इनके अंदर नहीं हूं। फिर भगवान ने यह भी कहा कि ये बार बार पुनः पुनः प्रलय होती है, महाप्रलय होती है, तमाम ब्रह्मांड भौतिक संसार नष्ट हो जाता है और मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाता है, यानी ओरिजिनल नेचर में चला जाता है। ओरिजिनल नेचर है स्पिरिचुअल नेचर, ये मैटेरियल नेचर है। दो ही नेचर है, जो एक स्पिरिचुअल नेचर है, एक मैटेरियल नेचर है। तो भगवान जब कह रहे हैं मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाता है, ये कह रहे हैं भगवान की मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाता है, स्पिरिचुअल प्रकृति को प्राप्त हो जाता है, आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। भगवान का स्वभाव आध्यात्मिक है, भौतिक स्वभाव नहीं है। तो जो महाप्रलय में ये सारे तमाम ब्रह्मांड प्राणी मात्र चले जाते हैं, ये सब मूल प्रकृति का स्वभाव ही आध्यात्मिक है, जहां से तमाम भौतिक निकला है। तो फिर जीवात्माएं जिन्होंने अपने स्वभाव भौतिक बना लिए हैं, वो भी महाप्रलय में महाविष्णु के गर्भ में, पेट में चले जाते हैं, तो उनको भी भगवान की ही नेचर यानी आध्यात्मिक नेचर प्राप्त हो जाती है, ओरिजिनल पोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन को उपलब्ध हो जाते हैं, अपनी मूल प्रकृति को उपलब्ध हो जाते हैं, मूल स्वभाव को उपलब्ध हो जाते हैं। अभी हमारा मूल स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव आत्मा का स्वभाव, मूल स्वभाव आत्मा के साथ है, लेकिन वो कंटामिनेटेड है, बिगड़ा हुआ है, उसका उस विकार युक्त है, उसमें बड़े कलरफुल हो गया है, वो काले पीले नीले सब तरह के रंग उसमें मिल गए हैं, उस क्रिस्टल क्लियर के अंदर, क्रिस्टल क्लियर भावना के अंदर तरह तरह के रंग मिल गए हैं, संसार के भोगों के, विलासों के, काम क्रोधों के, मदमोहों के, मत्सर्य लालच ईर्ष्या के। तो ये स्वभाव बिगड़ गया है, तो ये इसको निर्मल करने के लिए भगवान बतला रहे, भजन करो, मेरी शरण ग्रहण करो, मेरी भक्ति करो, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तुम अपनी उस स्वभाव को प्राप्त कर लोगे, उस ओरिजिनल धर्म को प्राप्त कर लोगे, जो धर्म नाम से कहा है, उस सच्चाई को प्राप्त कर लोगे। सच्चाई यह है कि ये आत्मा प्रेम स्वरूपा है, आनंद स्वरूपा है और इटर्नल है, ये इसकी नेचर भी ऐसी है, इसका मूल प्रकृति भी ऐसी है, मूल स्वभाव। तो भगवान कहते हैं कल्प के प्रारंभ में, कल्प के अंत में ये महाप्रलय होती है, कल्प के प्रारंभ में सृष्टि होती है, ये सब मेरी रचना है। ये महाप्रलय भी मेरे इशारे से होती है और ये सृष्टि भी मेरे इशारे से होती है। और ये कल्प क्षय पुनस्नादो, कल्प इसमें पिछले श्लोक में कहा है भगवान ने, कल्प क्षय पुनस्तानी कल्पादो विसृजाम्य हम, कल्प के अंत में ये प्रलय होती है, महाप्रलय, जिसमें तमाम ब्रह्मांड प्रलय की गोद में चले जाते हैं। तो प्रलय कैसे होती है? जैसे सृष्टि होती है ऐसी प्रलय भी होती है। तो सृष्टि के विषय में मैं कह रहा था पिछले एपिसोड में कि मूल प्रकृति में भगवान विकार पैदा करते हैं और विकार युक्त करते हैं,
तो अहंकार प्रकट होता है। ये अहंकार से ही सब कुछ प्रकट होता है, अहंकार से ही ये ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। अहंकार तीन ब्रांचों में बंटता है, तमोगुणी, सत्वगुणी, रजोगुणी। इनसे ही ये हमारे तमाम ब्रह्मांड की मन, बुद्धि, दसों इंद्रियां और पंच महाभूत, 24 तत्व सब निकलते हैं इन अहंकारों से। तो मैं बतला रहा था कि ये तमोगुणी अहंकार से ये पंच महाभूत प्रकट होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिराव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा, इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघातश्चेतना धृति। ये सब एक मूल प्रकृति के ही सृजन है, उनसे ही निकलते हैं सब। मूल प्रकृति को क्षुभित करते भगवान स्वयं श्री कृष्ण। तो ये सब कुछ प्रकट होता है अहंकार से, तमोगुणी अहंकार से पंच महाभूत प्रकट होते हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। रजोगुणी अहंकार से हमारी दसों इंद्रियां और बुद्धि प्रकट होती है, मेधा। और सत्वगुणी अहंकार से मन प्रकट होता है। ऐसे इनके अधिष्ठात्री देवता हैं। जैसे मन का अधिष्ठात्री देवता कौन है? अनिरुद्ध। बुद्धि का प्रद्युम्न। अहंकार जो हमारे अंदर है उसका संकर्षण। चित्त, वासुदेव। ऐसे ही हमारी वाणी जो बोलते हैं इसका अग्निदेव, अधिष्ठात्री, कंट्रोलर, यूनिवर्सल कंट्रोलर, कॉस्मिक कंट्रोलर इज द अग्निदेव। वाणी के अंदर अग्नि नहीं होगी तो आप बोल नहीं सकते। रसना का जल देव, वरुण देव, ये इनके यूनिवर्सल फ्रेम पर कंट्रोलर है। कानों के दसों दिशाएं, त्वचा के वायुदेव, स्पर्श के, ऐसे इनके अधिष्ठात्री देवता हैं। दसों इंद्रियों की, पांव के विष्णु देव, हाथों के इंद्र देव, यम, गुदाद्वार के यम इत्यादि देवता हैं। इनके सब कंट्रोलर है, नियामक। या हम कहते भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि इंद्रिय, ब्रह्मा जी की इंद्रिय यानी जनने इंद्रिय में खुजली चलती है तो तमाम ब्रह्मांड की जनने इंद्रियों में खुजली चलती है। और ये एक दूसरे से मिलन करके, संभोग करके बच्चे पैदा करते हैं, सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी काम कला के कंट्रोलर हैं। इस तरह से हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमको कहीं से कंट्रोल किया जाता है यूनिवर्सल फ्रेम पर। हम बेशक मानते चले कि हम स्वतंत्र हैं, भारत आजाद है, कहीं भी थूको, लेकिन बात वो नहीं है। एक मिनट, एक क्षणिक स्वतंत्रता ये जीव को दी है वो कर्मों में दी है। कर्मणि वाधिकार अस्ते, कर्मों में तेरा अधिकार है, तू कैसे भी कर्म कर सकता।